हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। और आज मैं आपको सिखाऊंगी ड्राई मशरूम की मसाला करी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो इस तरीके से हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम मशरूम ले लिए हैं, ये बटन मशरूम हैं। इनको मैंने धो के काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। इसके अलावा मैंने यहाँ पीली और लाल शिमला मिर्च ली है, जो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटनी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक मैंने ली है 1 इंच और 10 से 12 कलियां लहसुन की पीस ली है मिक्सी में। 2 हरी मिर्चें ली हैं जो बारीक टुकड़ों में काट ली हैं। 1 नींबू लिया है, खटास के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला पाउडर लिया है, हींग ली है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, और ये है रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक और हल्दी ली है। इसके अलावा यहाँ तड़के के लिए जो मैंने लिया है करी लीव्स ली हैं। यहाँ मैंने राई के आधा छोटा चम्मच दाने लिए हैं और जीरा के दाने लिए हैं। ये मैंने आधा छोटा चम्मच जीरा ले लिया है यहाँ। तो आइए देखते हैं हम मशरूम की ड्राई सब्जी कैसे बनाते हैं। बस सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, गैस जला दी है। अब इसमें मैं 1 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी। तेल हमने डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें ये राई, जीरा, तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें राई, जीरा और कड़ी पत्ता डाल देंगे हम और इसको चला लेंगे। राई और जीरा हमारा भुन गया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे। इसे भी चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। 2 मिनट प्याज भूनने के बाद इसके अंदर हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ के साथ इसमें मसाले डाल देंगे हम। यहाँ मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच लिया है। इसके अलावा मैं इसमें जीरा पाउडर डाल दूंगी, 1/2 छोटा चम्मच। तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं। आंच थोड़ी धीमी कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे सब्जी में और फिर से आंच तेज करके इसे भूनते जाएंगे। साथ के साथ इसमें ये भी डाल देंगे, शिमला मिर्च और मशरूम, और इसको भी मिक्स कर लेंगे और भूनते जाएंगे। मशरूम को बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। आइए इसको धीमी आंच करके ढक के 5 मिनट बनाते हैं। तो इसको ढक के हम 5 मिनट तक बनाएंगे, ये धीमी आंच पे ही सिकता रहेगा। तो आइए देखते हैं 5 मिनट बाद। देखिए व्यूअर, 5 से 10 मिनट इसको पकाने के बाद अब मुझे लगता है कि ये मशरूम की हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। आइए देख लेते हैं मशरूम पक गए हैं क्या। देखिए बिल्कुल आसानी से ये मशरूम कट रहा है। तो हमारी ये मशरूम की सब्जी तैयार है। इसके बाद गैस बंद करने से पहले इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालूंगी, जैसा गरम मसाला पाउडर डालूंगी और थोड़ा नींबू का रस ऊपर से निचोड़ देंगे खटास के लिए। तो हमारी मशरूम की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। आइए अब हम गैस बंद कर देते हैं और ये सब्जी सर्व करते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी मशरूम मसाला ड्राई बिल्कुल तैयार है हमारी सब्जी। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और डू लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।